मूसेवाले की हत्या पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आप नेताओं पर निशाना साधा है। आज अगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है उसके जिम्मेदार सीधे तरीके से सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा हैं, जो दिल्ली में बैठ करके पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हत्यारों को पंजाब सरकार कड़ी सजा दिलाएगी। पंजाब के अंदर गैंग वॉर खत्म करने के लिए भगवंत मान जी की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। खत्म होगा, अपराधीकरण खत्म होगा। आज वक्त है कि सिद्धू मूसेवाला जी के परिवार को न्याय मिले, ना कि सच्चाई सबके सामने आए। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने इसे पंजाब सरकार की नाकामी बताया है। आज इस तरह मानसा हलके विच जिथों इलेक्शन लड़े सी उथे गोलियां दे नाल उन्हां नूं छली करना, ये साढ़े पंजाब दी कानून व्यवस्था बारे की कह रहा है। ये उस मां नूं पुछया जाए जिदा अज इकलौता पुत तुर गया है। पंजाब कांग्रेस के नेता राजकुमार वेरकर ने पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कतरो गर्द हो रही है, गैंगस्टर दन दना रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बदलाखोरी की राजनीति से सिक्योरिटी वापस ले रही है, तो मैं ये कहूंगा अगर ये कत्ल का पर्चा दर्ज हो तो आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर होना चाहिए। पंजाब में बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने मूसेवाला की हत्या को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। क्रिमिनल कनाइवेंस और क्रिमिनल निग्लिजेंस एटलीस्ट उसके नहीं इल्जाम अपने सिर पे ले लिए। अपराधिक सांठगांठ या अपराधिक लापरवाही, ये इल्जाम आज आम आदमी पार्टी पंजाब की जो सरकार है भगवंत मान जी की सरकार के ऊपर लगते हैं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस के टिकट पर मनसा से चुनाव लड़ा था और फिलहाल कांग्रेस में ही थे। मूसेवाला की हत्या को लेकर आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।